अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। हंगामा टाइम्स न्यूज की खास पेशकश क्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज की खास पेशकश क्राइम बुलेटिन। परंतु इसके पास से वाणिज्य कर अधिकारी का एक आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है। कई नंबर प्लेट भी इसकी गाड़ी से बरामद हुई है जिसपे डीएल नंबर है और उसमें भारत सरकार लिखा हुआ है। इसके पास से एक नकली पिस्टल भी बरामद हुई है। देखने में वेट वाइज बिल्कुल असली लगती है परंतु वो एयरगन है, वो भी इसके पास से बरामद हुई है। और इसके जो साथी हैं उनसे भी गहनता से पूछताछ हुई तो ये अपने रसूख के बल पर कई ऐसी जगहों पर जाता था जहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है या फिर ये अपने आप को दिखाता था किसी व्यक्ति को कि हम सचिवालय में काम करते हैं, हमारी पहुंच ऊपर तक है, और उनसे अनुचित लाभ लेने का प्रयास करता था। सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और इनको जेल भेजा गया है चारों लोगों को। थाना मोहनलालगंज की पुलिस टीम द्वारा भी सबमर्सिबल की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी जिसने एक फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी। तब तो ये जानकारी दी गई नंबर प्लेट फर्जी है, तब जानकारी थी कि यूपी 32BG6388 जो कि अक्सर सरकारी गाड़ी का नंबर होता है, उस गाड़ी के जो ऑक्यूपेंट्स हैं उन्होंने एक व्यक्ति से मारपीट करी और समोसे के पैसे को लेके लेनदेन का विवाद कुछ हुआ। हमारी पुलिस ने बहुत ही तत्परता से इसमें बहुत गहनता से सीसीटीवी फुटेज चेक किया और जितने भी थाने की पुलिस टीम्स थी उनको बताया गया था कि कोई भी गाड़ी अगर दोबारा दिखती है तो उसको ट्रैक किया जाए। और संयोगवश हम लोगों द्वारा इसको जैसे ही हमने सीसीटीवी में इसको देखा तो एक हुलिया भी हम लोगों को इसमें जो लोग थे उनका मिल गया था। उसके बाद जांच हुई और टीम्स गठित हुई और ये चार अभियुक्त जो हैं इसमें पकड़े गए हैं। इसमें से एक अभियुक्त जिसका नाम रितेश उपाध्याय है, ये इंदिरा नगर क्षेत्र में अभी निवास कर रहा है और पूर्व में भी ये पीजीआई थाने से इसी तरीके से एक मामले में जेल जा चुका है जहां पर इसने अपनी फर्जी आइडेंटिटी बताई थी। यहाँ पर भी पूछताछ के दौरान इसने कई बार अपनी आइडेंटिटी चेंज करी, कभी इसने अपने आप को आईएएस अधिकारी बताया, कभी वाणिज्य कर अधिकारी बताया और कभी इसने अपने आप को इंडियन पोस्टल सर्विस का ऑफिसर बताया। परंतु इसके पास से वाणिज्य कर अधिकारी का एक आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है।